हेलो, हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए अभी और नीयू आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ, आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है, मेरी तरफ से बहुत बधाई। यूनिक पर्सपेक्टिव, गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर आवर एंगेजिंग अप्रोच टू इंडियन हिस्ट्री। ओहो बाबा, आप पैर नहीं छू, देखिए वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में एक परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ और उसमें भी जब कोई बेटी। थैंक यू सर, बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। एलार्को वनकुम, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट अ हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अप तमिल इन अ लॉट ऑफ स्टेजेस एंड यू सेड लाइक तमिल। सो आई मस्ट स्टार्ट विद वनकम। या वनकम, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक इट लैक्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म व्हिच यू ब्रॉट हियर, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट सर। I'm so honored, I'm just shaking, I don't know what to say, thank you so much। नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती हैं और बड़ा, आप तो जहां से ये काम कर रही हैं थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती हैं आप? I would say it's like it's little complicated since you know history and politics are like interconnected, so it's like I get a lot of toll also, but that's fine, it's just share with the facts and all। टीनेजर का जो ग्रुप है, हाँ, जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय घटता करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? दे लाइक एक्चुअली इन माय ऑडियंस आई हैव अ लॉट ऑफ टीनेजर्स एंड दे रियली वॉच थिंग्स। इन सब के सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah, yeah. चलिए। People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. All the best. So Bigam, he focuses on fitness, spirituality, and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आप कोई कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियन यतीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं।
मैं नींद के समय में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है, कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट अवार्ड, बेस्ट क्रिएटिव फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर्स, शी शेयर्स स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण इन इंसाइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ द मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड, दिस अवार्ड गोज टू लक्ष्य दबास। आई इनवाइट हिज ब्रदर मृणाल दबास टू रिसीव द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ। कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं लक्ष्य दबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो।